नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम लोग जो है UPPCS के लिए DAIS के 19 नंबर के टेस्ट पेपर पे को सॉल्व करेंगे। ये 19 नंबर का टेस्ट पेपर बेसिकली फुल लेंथ टेस्ट पेपर है और इसके तहत जो है हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इस एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नरोजी और इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1866 में लंदन में की गई थी दादा भाई नरोजी द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो था ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इस संगठन को सबसे अधिक समर्थन जो है भारत में बंबई प्रेसिडेंसी में मिला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है राजनीतिक संगठन और सूची सेकंड में दे रखा है उनके संस्थापकों का जिक्र है। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका इसके संस्थापक थे राजा राधाकांत देव, तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। अगला है बम्बई एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे दादा भाई नरोजी, ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देख ही चुके हैं। अगला है इंडियन लीग, तो इंडियन लीग के जो है संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष, पहले से मिलान हो जाएगा। अगला है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे आनंद मोहन घोष, तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजुमदार ने की, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पे चौथे में देखा जाए तो बाण सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों के मध्य एक जो है संयुक्त जो है परियोजना है और यह मध्य प्रदेश की गंगा घाटी में सोन नदी पर केंद्रित एक बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है प्रमुख दर्रे, सूची सेकंड में दे रखा है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो इनका मिलान करना है। तो जो देखा जाए तो देवसा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। खारदुंगला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में, ठीक है। मयाली दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। सेला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि विवर्तनिक झीलों का निर्माण भूपृष्ठ के अवतलित होने से होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में विवर्तनिक झील का प्रमुख उदाहरण महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ये जो विवर्तनिक झील है इनका निर्माण जो है भूपृष्ठ के अवतलित होने से उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। और भारत में विवर्तनिक झील का उदाहरण जो है कश्मीर की जो है उलर झील है, कश्मीर की जो है उलर झील है, ना कि जो है महाराष्ट्र की जो है लोनार झील, जबकि महाराष्ट्र की लोनार झील एक जो है ज्वालामुखी झील है। इसके अलावा जो है ज्वालामुखी झीलों के निर्माण की बात की जाए तो इस तरीके की जो झीलें हैं उनका निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के शांत होने के पश्चात उनके मुख में वर्षा जल एकत्रित होने से होता है इनका निर्माण, ज्वालामुखी झीलों का। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में खनिज है, सूची सेकंड में राज्य है, तो इनका मिलान करें। तो यहाँ पे चांदी का जो है मिलान होगा राजस्थान से और तांबे का मिलान होगा मध्य प्रदेश से, बॉक्साइट का मिलान होगा उड़ीसा से और चूना पत्थर का मिलान होगा आंध्र प्रदेश से। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आठवां,
सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में जलप्रपात है और सूची सेकेंड में राज्यों का जिक्र है। तो बुद्ध जलप्रपात कहाँ पे है? यह है झारखंड में। थलाई यार जलप्रपात कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और बाराकाना जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटका में। और वजाचल जलप्रपात कहाँ पे है? केरला में। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में झारखंड बंगाल पट्टी में स्थित है। दूसरा कथन है कि जो है टर्सरी कोयला झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे नौहे को देखा जाए तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए टर्सरी कोयला जो है असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है, ना कि झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। बाकी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। ठीक है, तो सही के लिए पूछा गया था तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में है ऋतु, सूची सेकेंड में है माह। तो यहाँ पे ऋतुओं का मिलान करना है माह से, तो वसंत ऋतु का मिलान होगा मार्च अप्रैल से, वर्षा ऋतु का मिलान होगा जुलाई अगस्त से, ठीक है, शरद ऋतु का मिलान होगा सितंबर अक्टूबर से, और हेमंत ऋतु का मिलान होगा नवंबर दिसंबर से। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ओखला पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य जो है ललितपुर में स्थित है, ठीक है, और ओखला पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर में, और पटना पक्षी विहार जो है एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में मृदा दे रखा है, सूची सेकेंड में मुख्य फसल का जिक्र है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं लाल मृदा, ठीक है, तो लाल मृदा का मिलान होगा मूंगफली से, मूंगफली के लिए लाल मृदा उत्तम है। काली मृदा जो है किसके लिए होगी? कपास के लिए, ठीक है। लैटेराइट मृदा जो है कॉफ़ी के लिए, और जलोढ़ मृदा जो है गन्ना के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में झीलें दे रखा है, सूची सेकेंड में स्थान दे रखा है, ठीक है, तो नागिन झील दे रखा है, नागिन झील है जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये सही है। फतेह सागर झील है राजस्थान में, और जो है देवताल झील है उत्तराखंड में, और लोनार झील है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 13 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए 14 में जो है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक निर्भर करता है। तो यह जो है 50 कंपनियों के औसत मूल्य पर निर्भर करता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस कीमत पर सरकार जो है खाद्यान्न आदि वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध कराती हैं वह क्या कहलाता है? तो वह जो है निर्गम मूल्य कहलाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस एक को वृहद मुद्रा माप कहा जाता है? तो यहाँ पे 17 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, M3 को जो है वृहद मुद्रा माप भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? तो यहाँ पे सही जवाब है 1861 के द्वारा पड़ी थी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन।
इस अधिनियम के द्वारा जो है मद्रास एवं बम्बई प्रेजिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर शासन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की महिला सदस्यों में जो है निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो संविधान सभा में कुल जो है 15 महिलाओं की संख्या थी, और जिसमें जो है जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन तथा राजकुमारी अमृत कौर इसमें शामिल थी, जबकि अरुणा आशफ अली इसमें शामिल नहीं थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए एक तरफ प्रावधान है, दूसरी तरफ संविधान का भाग है। तो 20 में देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि जो है संघ राज क्षेत्र दे रखा है, ये जो है भाग 8 के अंतर्गत आता है, ना कि 7 के अंतर्गत, ठीक है, इसलिए ये गलत था, सही सुमिलित नहीं था, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 21वें में तो भारत की 5वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार हम देखा जाए तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 213 के तहत, और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर जो है विस्तृत है, और यह शक्ति उसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1987 में। नागालैंड का कब हुआ था, 1963 में। हिमाचल प्रदेश का कब हुआ था, 1971 में। मेघालय का कब हुआ, 1972 में। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग फोर्थ में बाद में नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पे देखा जाए बाद में नहीं जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग फोर्थ में जो हैं वो 4 प्रावधान जोड़े गए, ठीक है, कौन कौन से। पहला है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का के तहत। तो यहाँ पे पहला जो है सही था, ये जोड़ा गया। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में जो है कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद जो है 43 का के तहत, ठीक है, ये भी सही है सी ऑप्शन। अगला है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की जो है सुरक्षा अनुच्छेद 48 जो है का के तहत, ठीक है। इसके अलावा अगला जोड़ा गया शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 चा के तहत, यानी एफ के तहत। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं जोड़ा गया, तो यही सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में धन का केंद्रीकरण ना हो सके यह किस एक में वर्णित है। तो यह जो है राज्य के नीति निदेशक तथ्यों में अनुच्छेद जो है 39C में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का पालन करने, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहले स्थान पे रखा गया है, और संविधान के अनुच्छेद 51 जो है ए के तहत पहले स्थान अर्थात उपखंड का में रखा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। इसका कारण है कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट तो सही है, परंतु इसका कथन तो सही है, परंतु इसका कारण जो है गलत हो जाता है। कारण इसलिए गलत हो जाता है कि जो है उसे जो है युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर जो है विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे कहा गया है
कि विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, इसलिए ये जो है गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यहाँ पे देखा जाए अनुच्छेद 149, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे जो है कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये आपको पता ही होगा, और इसके किनारे अवस्थित देश है अजरबैजान, कजाकिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उज्बेकिस्तान नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग है। दूसरा कथन है ये जो है मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे देखा जाए 30 में देखा जाए तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है, और यह जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है, ना कि जो है मर्तबान की खाड़ी में गिरती है, और यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और यह जो है दक्षिण वियतनाम में डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट का मिलान करना है सूची सेकंड से, तो गतिशील महाद्वीप का मिलान होगा जो है अंटार्कटिका से, तो तीसरे से मिलान हो जाएगा। द्वीपी महाद्वीप का मिलान होगा जो है ऑस्ट्रेलिया से, चौथे से हो जाएगा। दक्षिण के ब्रिटेन का मिलान होगा न्यूजीलैंड से, दूसरे से हो जाएगा। अंध महाद्वीप का मिलान होगा अफ्रीका से, तो पहले से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है काकेशस राज्यों को सम्मिलित करता है? तो इसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है, ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट मैकिनले है, जो 6000 जो है 194 मीटर है, यह अलास्का रेंज में अवस्थित है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो मंगलौर की संधि जो है 1700 1784 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के मध्य हुई थी, ठीक है, ये संधि जो 1784 में हुई थी ये गलत है, इसीलिए ये सही है। और इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश आपस में एक दूसरे को लौटा दिए थे, और इनके द्वारा किए गए जो बंदी थे, बंदी गृह में भरे गए थे लोग, बंदी बनाए गए थे, उनको भी जो है छोड़ दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ समाचार पत्र हैं, दूसरी तरफ प्रकाशक या संपादक का जिक्र है। तो यहाँ पे देखा जाए द लीडर के जो संपादक हैं, ठीक है, मदन मोहन मालवीय है, ठीक है। अगला है कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है, चौथे से मिलान हो जाएगा। ज्ञान प्रदायिनी के जो संपादक हैं नवीन चंद्र राय हैं, दूसरे से मिलान हो जाएगा। बम्बई दर्पण का मिलान होगा बाल शास्त्री से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, लॉर्ड कैनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कैनिंग के समय में पारित हुआ। दूसरा है पंजाब में कूका विद्रोह। तीसरा है असम में चाय की खेती को प्रोत्साहन दिया। चौथा है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो सही कथनों का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1862 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय दोनों था, और 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है कैनिंग के काल में ही हुआ था, और असम में चाय तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहुआ की खेती को इसने प्रोत्साहित किया। हालांकि बात की जाए तो पंजाब में जो कूका विद्रोह हुआ था वो इसके शासनकाल में नहीं हुआ था, क्योंकि कूका जो है विद्रोह 1840 में ही हो चुका था। उस समय ये जो है ना तो वायसराय था, ना ही जो है भारत का गवर्नर जनरल था, इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा इसके संदर्भ में, जबकि पहला, तीसरा और चौथा सही होगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि कूका आंदोलन की शुरुआत 1850 ईस्वी में हुई थी। दूसरा कथन है नील आंदोलन बंगाल में नदिया जिले में प्रारंभ हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है कि एका आंदोलन अवध के किसानों का आंदोलन था। चौथा कथन है पावना आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल थे। तो सही कथनों का चयन करें यहाँ पे। तो कूका आंदोलन की शुरुआत जो है 1840 में हुई, 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जो है कूका आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना था। बाद में यह आंदोलन जो है राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जबकि पहला यहाँ पे गलत था। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में संघ या समाज दे रखा है, सूची सेकेंड में संस्थापक दे रखा है। तो सेवा समिति के जो संस्थापक है वो जो है हृदयनाथ कुंजरू हैं। तीसरे से मिलान हो जाएगा, भारत सेवा संघ के संस्थापक कौन से हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, पहले से मिलान होगा। सेवा सदन के संस्थापक हैं वीएम मालाबारी, चौथे से हो जाएगा। धर्मसभा के संस्थापक हैं हृदयनाथ, नहीं, धर्मसभा के संस्थापक हैं राजा राधाकांत देव, दूसरे से मिलान होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? तो सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? अर्जुन देव को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है 1581 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु बने थे, ठीक है, और इन्होंने अमृतसर में जो है हरमंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की नींव भी इन्होंने ही रखी, और इन्होंने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में भी स्थापित किया, और जो है आदि ग्रंथ का संकलन भी इन्होंने ही किया, इसलिए इन्हें जो है सच्चा बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट को कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में आयोग या समिति है, सूची सेकेंड में स्थापना वर्ष है। तो अमीनी समिति के बारे में देखा जाए तो इसका स्थापना वर्ष है 1778, और निकोलसन समिति की जो स्थापना वर्ष है उस 1892 है, और जो है लिन लिथगो आयोग की जो स्थापना वर्ष है वो 1928 है, और हॉलैंड समिति की स्थापना वर्ष है 1916 है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों का अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार का है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका अपवाह प्रतिरूप जो है आरी प्रतिरूप कहा जाता है इनको, ठीक है, आरी प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप की अच्छी उदाहरण मानी जाती हैं, किसकी, आरी प्रतिरूप की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं? पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा दिल्ली। तो यहाँ पे देखा जाए तो हरियाणा और दिल्ली जो है ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। तिला, सेती तथा बेरी नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पे देखा जाए ये जो है घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में, तमिलनाडु तट जो है वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है, इसके लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा कथन है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 44 में देखा जाए तो पहला दूसरा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, पहला दूसरा कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भूकंप से संबंधित निम्न के कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 45 में देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि द्वितीयक तरंगे केवल द्रव माध्यम से ही होकर गुजर सकती हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो है पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है गलत है।
क्योंकि जो है जो द्वितीयक तरंगें होती हैं वो केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही गुजर सकती हैं, ना कि द्रव माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 46 में देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। ठीक है, कालाहारी जो क्षेत्र है इसमें जो जनजाति पाई जाती है, यहाँ पे बद्दू जनजाति पाई जाती है ये लिखा है, जबकि यही जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि जो है बद्दू जो है वो अरब क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, जबकि कालाहारी क्षेत्र में जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है चौथा वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403 हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद की सीटें कितनी हैं, 100 हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है यजुर्वेद में मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। तो भारत में सर्वप्रथम स्थापित उद्योग और उनका स्थान दे रखा है, तो लोहा इस्पात जो दे रखा है तो यहाँ पे देखा जाए कुल्टी में है, और जो है सूती वस्त्र का सर्वप्रथम स्थापित उद्योग है जो है फोर्ट ग्लोस्टर है, और ऊनी वस्त्र के लिए जो है सर्वप्रथम उद्योग कहाँ पे स्थापित हुआ, कानपुर में। जबकि कागज़ के लिए जो है सर्वप्रथम उद्योग स्थापित हुआ 1832 ईस्वी में जो है श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, ना कि बम्बई में, इसलिए ये जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी सर्वाधिक जनसंख्या में जो है समस्थानिक पाए जाते हैं। दूसरा कथन है यह प्रथम मानव निर्मित तत्व है। उपरोक्त कथन किस तत्व की ओर इंगित करते हैं। तो ये दोनों जो है पोलोनियम की तरफ जो है इंगित करते हैं, ये दोनों तर्क जो है पोलोनियम के जो है कथन है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है किसका भाग है। तो ये जो है 51 में देखा जाए फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये जो है मेलानेशिया का जो है भाग है और इसकी राजधानी सुआ होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण है कि यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन जो है पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन तो सही है, जबकि इसका कारण जो दे रखा है आर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि चीन तुल्य प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधी महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। दूसरा कथन है कि इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है तथा शीतकाल में साधारण वर्षा होती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे 53 में हम लोग देखें तो 53 में देखा जाए तो सही के लिए पूछा गया है तो चीन तुल्य प्रदेश का विस्तार जो है शीतोष्ण कटिबंध के महाद्वीपों के जो है पूर्वी किनारों पर 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, ना कि पश्चिम किनारों। तो यहाँ पे पूर्वी होना चाहिए, ठीक है, ना कि पश्चिम। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में जो है साधारण वर्षा होती है तथा शीत जो है शुष्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है। तो इनका नाम है मोरारजी देसाई, जिन्होंने कुल 10 बार यानी लगातार 6 बार भी बजट प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देखा जाए इसमें जो है बी ऑप्शन सही नहीं है कि इसके द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार दिया गया, ये यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है।
बाकी जो है ए सी और डी, ए और सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में एंजाइम का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें जो है लार में लगभग 99% जल और 1% एंजाइम होता है। ठीक है, 1% सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन है और एक जो है लाइसोजोम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 57। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थलमंडल के विस्तार का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो यहाँ पे जो है दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थलमंडल का विस्तार जो है 81% और जो है 19% है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जली भाग 60% और स्थली भाग 40% है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारी जल को भारी जल कहा जाता है, भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि इसका जो है क्या होता है, क्योंकि इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो ड्यूटेरियम होता है और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को जो है भारी जल कहा जाता है। ठीक है, यही D2O होता है और इसकी खोज 1932 ईस्वी में जो है यूरे तथा वास बर्ने की थी और इसका अणु भार जो होता है वो 20 होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में प्रसिद्ध जो है काल कोठरी की घटना घटित हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है, उस समय जो है सिराजुद्दौला जो है शासक थे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस दुर्घटना में 146 अंग्रेज कैदियों को एक सकरी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले दिन 123 व्यक्ति दम घुटने से मर गए। इसका विवरण जो है हालवेल ने अपनी पुस्तक जो है अलाइव द वंडर में किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अफ्रीका के भूमध्य सागरी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पे 60 में देखा जाए तो एलेक्जेंड्रिया पोर्ट में स्थित है। यह सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। परमादेश निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? पहला निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, दूसरा ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, तीसरा जो है सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध, चौथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सही है, जबकि सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, जबकि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है इनके विरुद्ध भी नहीं, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायिक क्षमता में कार्यरत है उनके विरुद्ध भी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। अनुच्छेद 29 में दिए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश में किसी भी नागरिक को केवल धर्म तथा मूल वंश के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा कथन है कि शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर जो है विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 62 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है, दोनों ही कथन गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट का मिलान करते हैं तो भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है और विनियोग विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 114 में किया गया है। वार्षिक वित्तीय वितरण का जो उल्लेख है वो 112 में किया गया है। जो है आकस्मिकता निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है पहला स्टेटमेंट है कि इसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
दूसरा कथन है लोकसभा कार्यकाल बढ़कर 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गए। चौथा कथन है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची में शामिल किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे चारों कथन सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सी चुनाव सुधार समिति सरकारी समिति नहीं थी। तो यहाँ पे देखा जाए जो है चुनाव सुधार के लिए समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया, जैसे कि जो है तारकुंडे समिति का गठन जो है जय प्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान 1974 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है चुनाव सुधार से संबंधित जो है ये समिति नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यह जो है एक गैर सरकारी समिति थी, इसलिए इसको चुनाव सुधार समिति नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया, यह भी चुनाव सुधार से संबंधित थी। और बोहरा समिति का गठन जो है 1993 में अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए किया गया। और इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन जो है 1998 में चुनावी खर्च से संबंधित प्रावधानों के लिए किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर जो है चुंबी नदी बहती है। तो ये जो है सही जवाब है नाथुला दर्रा से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो अणुभार जो है इसका 20 होता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित घटनाओं में से किसका संबंध क्षोभ मंडल से है। पहला है संवहन धाराओं का पाया जाना, दूसरा है जेट स्ट्रीम का प्रवाह, तीसरा है बादल का गरजना एवं चमकना। तो यहाँ पे जो है सभी कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गालजी काय का प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पे देखा जाए 69 में सही जवाब है विभिन्न पदार्थों यानी एंजाइम का श्रावण करना जो है गालजी काय का प्रमुख कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित नहरों में से कौन सी एक नहर जो है बाल्टिक एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इस नहर का नाम है कील नहर। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, केंद्र सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव को लागू करने के हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1981 में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ की गई। तो इसकी स्थापना जो है लखनऊ में की गई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन है। दूसरा कथन है किन जातियों या जाति समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यह तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशेष उपबंध जैसे कि अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 का तक का प्रावधान किया गया है, और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातीय या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा, परंतु हर राज्य या केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं में किन जातियों या जाति समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यह तय करने का अधिकार संविधान में राष्ट्रपति को दे रखा गया है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए पहला यहाँ पे सही है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 73 का देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि संविधान सभा में शामिल सदस्यों में से सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सही कूट का के माध्यम से सही ऑप्शन चुनना है। तो पहला कथन है सहकारी समितियों को 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान में एक नया खंड 9ख जोड़ा गया। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि सहकारी समिति में जो है निदेशकों की अधिकतम संख्या 22 हो सकती है। चौथा स्टेटमेंट है कि बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा और चौथा यहाँ पे सही होगा स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा और चौथा,
जबकि पहला और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है 97 संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो 2011 में पारित हुआ था, ना कि 2012 में, तो इसलिए ये गलत है। और जो है इसमें जो है सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 22 लिखा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 21 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके संबंध में कि इसमें जो है अधिकतम संख्या जो है सदस्य संख्या 12 हो सकती है, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि जो है इसमें जो है देखा जाए इसमें जो है सदस्य संख्या 9 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? तो यहाँ पे यह जो है सिक्का का नाम था जो है संसब नाम था, और यह 101 तोले का था, यह बड़े लेन देन में प्रयोग में लाया जाता था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निर्वात की स्थिति में यदि दो भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाएं तो क्या प्रक्रिया होगी? तो इस समय जो है दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, एक तरफ व्यापारिक नाम है, दूसरी तरफ रासायनिक नाम है, तो यूरिया का जो है रासायनिक नाम क्या होगा? ठीक है, जो है कार्बामाइड, और फिनॉल का जो है सही मिलान है, लाल सिंदूर का भी मिलान सही है, तो यहाँ पे तीनों मिलान सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1958 को ही थी, ठीक है, यहाँ पे 2 अक्टूबर 1958 को, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला कथन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी, दूसरा कथन है यह एक वैधानिक संस्था है, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है, और इसे जो है गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया, और इसकी स्थापना जो है संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया, और यह कोई जो है वैधानिक संस्था नहीं है, इसे जो है दिल्ली विशेष पुलिस जो है अधिष्ठान अधिनियम 1940 से शक्ति प्राप्त है, ठीक है, तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे 81 का देखा जाए तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 तक वर्णित किया गया है मूल अधिकारों को, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मूल अधिकार की विशेषता नहीं है वो डी ऑप्शन है कि यह असीमित है लेकिन वाद योग होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लेकिन जो है ये जो है वाद योग तो होते हैं लेकिन ये असीमित नहीं है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन है कि भारतीय संदर्भ में ला नीना जहां कम वर्षा को व्यक्त करता है वहीं एल नीनो अधिक वर्षा का कारण बनता है, दूसरा कथन है एल नीनो के दौरान भूमध्य रेखी प्रशांत क्षेत्र में सतह का तापमान कम हो जाता है वहीं ला नीना के कारण यह औसत से अधिक गर्म रहता है। तो यहाँ पे 82 में देखा जाए तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, सही के लिए पूछा गया था तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे 83 में देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है असत्य है कि इसके आदेशों को चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दी जा सकती है परिसीमन आयोग के संदर्भ में, ये जो है कथन असत्य है क्योंकि जो है परिसीमन आयोग के आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है, इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए भौतिकी के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे 84 का सही जवाब है सन 1983 में, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, संस्थान का मिलान करना है उनके मुख्यालय से, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक है, IOC का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ना कि गांधीनगर में, यही सही सुमिलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, अनुक्रमण की वह अवस्था जो पर्यावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको जो है प्रतिक्रिया कहा जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, किसी भी व्यक्ति को संसद या विधानसभा की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार है, यह किस जो है अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह जो है अनुच्छेद 361A में वर्णित है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, अंतरिक्ष काल में ऐसा स्थल जहाँ किसी खगोल की पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है क्या कहलाता है, तो ये जो है सिंगुलैरिटी कहलाता है, ठीक है, यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले पहले उर्दू अखबार जो है सदरुल अखबार के संपादक कौन थे, तो यहाँ पे देखा जाए तो 89 का सही जवाब है प्रोफेसर सी फिंक, प्रोफेसर सी फिंक इसके जो है संपादक थे, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों में से किस एक का इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पे 90 में देखा जाए इसका नाम है जो है ग्लिप्टाल, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, तो सूची फर्स्ट का मिलान करते हैं सूची सेकेंड से, तो जो है पोलोथिन का जो है मिलान क्या होगा, जो है मच्छर विकर्षक, तीसरे से मिल जाएगा जो है सिबाजोल का मिलान होगा जो है सल्फा ड्रग, और कैफीन का मिलान होगा उत्तेजक के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलान होगा शीतक पेय के रूप में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शीतल पेय के रूप में हो गया डी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं या पाए गए हैं, तो यहाँ पे सही जवाब है गंगा डेल्टा में, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 के अनुसार क्या है, तो यहाँ पे 14.2% है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को जो है विकृत नहीं करता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटीन को जो है अवरक्त किरणें जो है प्रोटीन से विकृत नहीं कर सकती हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस एक को जल में रखा जाता है, तो यहाँ पे देखा जाए 95 का सही जवाब है श्वेत फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है यह साधारण ताप पर वायु में स्वतः ही जलने लग जाता है, इसलिए वायु से बचाने के लिए इसे जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित को उनके विद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए चांदी की विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है जो है चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम जो है सुचालक है, ठीक है, तो ये जो है पहले स्थान पे हो जाएगा, फिर सर्वाधिक विद्युत चालकता जो है चांदी की होती है, ये तो आपको पता है, तो पहले जो है इसके बाद जो है तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, फर्टिगेशन का अर्थ क्या होता है, तो फर्टिगेशन का अर्थ होता है जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना जिससे उर्वरक एवं सिंचाई जल दोनों की क्षमता बढ़ाई जा सके, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, भारत में बजट निम्नलिखित में से जो है कौन सा या कौन से अनुमान या अनुमानों को व्यक्त करता है, पहला है विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय, दूसरा है चालू वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान,
तीसरा है आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। तो यहाँ पे देखा जाए तो 98 का तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, जनगणना 2011 के अनुसार कौन एक जो है 1 मिलियन प्लस सिटी नहीं है। तो 99 का यहाँ पे सही जवाब है जो है बी ऑप्शन गांधीनगर। गांधीनगर जो है 1 मिलियन प्लस सिटी नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में है उपकरण, सूची सेकेंड में आविष्कारक है, ठीक है। तो क्रिस्कोग्राफ का मिलान होगा जेसी बोस से और ग्रामोफोन का मिलान होगा एडिसन से और लाउड स्पीकर का मिलान होगा होरिस शार्ट से और जो है सुपर कनेक्टिविटी का मिलान होगा एच के ओनिस से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में देखा जाए तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी लोकसभा सीटों से उनका मिलान करना है। तो त्रिपुरा में देखा जाए तो 2 लोकसभा सीटें हैं, चंडीगढ़ में 1 है और हिमाचल में 4 है, उत्तराखंड में 5 है। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अनुच्छेदों का मिलान करना है विषय वस्तु से। तो अनुच्छेद 87 का संबंध है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन से। अनुच्छेद 99 का मिलान होगा सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से और अनुच्छेद 111 का मिलान होगा विधेयकों की स्वीकृति से और अनुच्छेद 114 का मिलान होगा विनियोजन विधेयक से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो, ठीक है। तो 103 में सही जवाब है सी ऑप्शन, बी आर अम्बेडकर ने कहा था, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 104 का जो है 104 में देखा जाए तो बी ऑप्शन सही सुमिलित नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से असल में लिया गया है समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, जबकि लिखा है संसदीय विशेषाधिकार। तो ये जो है सही सुमिलित नहीं था, तो बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत है। पहला है बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण करना, तीसरा है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाना, चौथा है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो सही कूट का चयन करें। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है उदार बौद्धिक सिद्धांत के संदर्भ में, तो पर्यावरण का संरक्षण करना और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये दो जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है, जबकि पहला और चौथा जो है समाजवादी सिद्धांत है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से किस एक से होकर मनाली लेह राजमार्ग नहीं गुजरता है। तो यहाँ पे जो है मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से होकर गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचा और जो है लुंगालाचा ला और जो है टंगटंगला। तो यहाँ पे जो है बुर्जिल दर्रा से नहीं गुजरता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंद जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति के विषय में संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है, यह जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो है क्षेत्राधिकार में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल है, लेकिन जो है यहाँ पे क्या शामिल नहीं है, मेघालय शामिल नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109,
निम्नलिखित में से कौन जो है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति की दशाएं हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है ये ए बी और सी, तीनों ही प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति की दशाएं हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, जिस बंदरगाह पर जो है पुनर्निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया जाता उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है फ्री पोर्ट कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में भ्रंश घाटी है, सूची सेकेंड में जो है अवस्थिति है, तो यहाँ पे डेथ वैली जो है का मिलान होगा कैलिफोर्निया से, ठीक है। दूसरे से मिल जाएगा मृत सागर का मिलान होगा जॉर्डन से, ठीक है। बार्टलेट डीप सागर का मिलान होगा जो है क्यूबा से, स्पेंसर की खाड़ी का मिलान होगा ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत वर्ष 1952 में हुई थी। दूसरा कथन है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता रूस से प्राप्त हुई। तो यहाँ पे सत कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे रूस की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जो है मेक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रोटोनोपिया एक आनुवांशिक बीमारी है, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यह जो है आनुवांशिक बीमारी है, जो बीमारी माँ के गर्भ से बच्चे को हो जाती है, और डाल्टन ने इस बीमारी की खोज की थी, और इसलिए इसे जो है डाल्टोनिज्म बीमारी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है डाल्टोनिज्म बीमारी भी कहा जाता है, ये भी सही है। और इस बीमारी का जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पर होने के कारण जो है इसे एक्स लिंक्ड बीमारी भी कहा जाता है, ठीक है। और जो है इस बीमारी में तीन रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला में अंतर नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए इसे रंग वर्णांधता भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, पूर्णावर्धा, प्राणहिता और मंजीरा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, जो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, इन व्यवस्थाओं में शामिल है पहला पांचवी अनुसूची, दूसरा सातवीं अनुसूची का विषय, तीसरा है छठी अनुसूची, चौथा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो सही कूट का यहाँ पे चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि क्या गया है, ठीक है, पूछा गया है जो है साधारण बहुमत से, तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो है पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन ये सम्मिलित है, और छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद और सूची सेकेंड में विषय वस्तु है, तो अनुच्छेद 170 का मिलान होगा विधानसभाओं की संरचना से, ठीक है। अनुच्छेद 216 का मिलान होगा उच्च न्यायालयों के गठन से, ठीक है। अनुच्छेद 243 के का मिलान होगा पंचायतों के निर्वाचन से, और अनुच्छेद 243 क्यू का मिलान होगा नगर पालिकाओं की संरचना से, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 118 में तो बी ऑप्शन सही सुमिलित नहीं है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मिलान जो है गृह मंत्रालय से है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, जबकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय है, और भारत सरकार ने इसे 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के अनुसार स्थापित किया था, और जो है इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली में है, ठीक है, और यह न्यायाधिकरण जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। दूसरा कथन है इन्हें वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है जिस पर संसद में मतदान होता है। तो यहाँ पे सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए 119 का केवल पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि इन्हें जो है अध्यक्ष और जो है सदस्यों को वेतन भत्ते और पेंशन सहित सभी खर्चे जो है भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं और इन पर जो है संसद में मतदान नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के संदर्भ में चार कथन दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेता है जो है न्यायाधीश। और दूसरा कथन है कि 15वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। तीसरा कथन है विधान परिषद की सिफारिश से राज्यपाल पद से हटा सकता है। चौथा कथन है राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। तो यहाँ पे सही कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे 120 में देखा जाए तो पहला और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है जबकि जो है दूसरा और जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में हुआ, ठीक है, 1963 में हुआ और सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 60 से 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है, और संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। जब मूल्य में कमी जो है मांग में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में वृद्धि लाती है तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तुओं को लोचदार वस्तुएं कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और फरवरी 1997 में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित जो है संस्थाओं पर विचार करें। पहला है WTO, दूसरा है IBRD, तीसरा है WEF, चौथा है IMF, ठीक है। तो उपरोक्त में से किन दो संस्थाओं को जो है ब्रेटन वुड्स जुड़वा के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है दूसरा IBRD और जो है चौथा IMF, इनको जो है ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। दूसरा कथन है इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। तीसरा कथन है इसका अध्यक्ष सदैव जापान से होता है। यहाँ पे 124 में देखा जाए तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। केस नली में कोई द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा यह निर्भर करता है केस नली के जो है त्रिज्या पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब जो है जेनिक सिनर ने जीता। इन्होंने इस प्रतियोगिता में डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। जनवरी 2024 में अभ्यास डेजर्ट 2024 का आयोजन भारत एवं किन दो देशों की वायुसेना के मध्य किया गया? तो यह जो है अब भारत और फ्रांस एवं UAE की वायुसेनाओं के मध्य यह किया गया और इसका आयोजन जो है अरब सागर के ऊपर क्षेत्र में किया गया। यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन एवं वध पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक विधेयक पारित किया गया? तो यहाँ पे देखा जाए जो है दक्षिण कोरिया की संसद द्वारा जो है उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन एवं वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक वर्ष 2027 तक जो है प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है, नहीं सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है, जो ब्रजेंद्र नवनीत की का स्थान लेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, जनवरी 2024 में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है कंपाला युगांडा में संपन्न किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रवि कुमार ने दृष्टि 10 स्टार लाइनर का अनावरण किया, यह एक क्या है? तो यह जो है स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। वे थे एक ख्याल गायक थे और उनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए जो है विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। दूसरा कथन है इसके अंतर्गत संपूर्ण देश में भारत की सभी ग्राम पंचायतें नगर पंचायतें एवं स्थानीय निकाय शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 133 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे सही जवाब है 15 नवंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है 135 का सी ऑप्शन, गुजरात में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन दो महान विभूतियों को केंद्र सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, गुलजार एवं स्वामी राम भद्राचार्य। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है समलैंगिक विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश बना है? तो इस देश का नाम क्या है? ग्रीस। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, फरवरी 2024 में निम्नलिखित देशों में से जो है कौन सा एक जो है देश जो है कौन सा एक जो है जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जो है जर्मनी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की प्रथम एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे देखा जाए 140 का सही जवाब है डी ऑप्शन, यूएई ने घोषणा की है। ठीक है, और इसका परिचालन जो है 2026 से किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई है? तो कहाँ से की गई है? ये खूंटी झारखंड से किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है 16 नवंबर 2023 को। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, दिसंबर 2023 में कैश फॉर क्वेरी मामले में संलिप्तता के कारण निम्नलिखित में से किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो इनका जो है नाम है महुआ मोत्रा। ये जो है पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, भीष्म परियोजना के तहत निर्मित विश्व के पहले पोर्टेबल जो है अस्पताल का अनावरण दिसंबर 2023 में कहाँ पर किया गया?
तो इसका अनावरण गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है, नवंबर 2023 में अग्नि पहल का प्रारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो अग्नि पहल का प्रारंभ जो है केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, दिसंबर 2023 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो यह जो है दुबई में लॉन्च किया गया। इस अलायंस में भारत सहित 11 देश सम्मिलित हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड जो है इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इस देश का नाम है, क्या नाम है, इटली। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, दिसंबर 2023 में ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई, जो है UNEP द्वारा जारी की गई, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, नवंबर 2023 में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन का आयोजन कतर में किया गया, इस आयोजन में किस भारतीय महिला को वाइज प्राइज ऑफ एजुकेशन से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इनका नाम है शफीना हुसैन, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 150 और जो है टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है BR गवई, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही धेय IAS का UPPCS के लिए 19वां नंबर टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।